अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी सीरीज में बात करने वाले हैं जावेद अख्तर का क्या कहना था हिजाब बैन होने के मुतालिक, तो वो बताने वाला हूं मैं आपको अपनी वीडियो में। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मुस्कान बीबी की वीडियो वायरल होने के बाद जब भारत में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हिजाब के खिलाफ और काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज ने हिजाब के हक में बात की और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिजाब के खिलाफ बात की और इसी दौरान जावेद अख्तर ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया कि वो कभी भी बुरके और हिजाब के हक में नहीं थे। और इसके अलावा जावेद अख्तर का कहना था कि जिस तरह प्रोटेस्ट में बच्चियों और लड़कियों को हरेस किया जा रहा है मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर यहां पर जावेद अख्तर की बात पे गौर किया जाए तो जावेद अख्तर का कहना है कि जो प्रोटेस्ट के दौरान बच्चियों को हरेस किया जा रहा है ये चीज गलत है। तो यहां पर अगर बात की जाए जावेद अख्तर की तो जावेद अख्तर उन चंद मुसलमानों में से हैं जो हिजाब के खिलाफ हैं। आपका जावेद अख्तर के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।